इसलिए मैं आपको बोला, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे चैलेंज करो या मुझे पूछो, या तो आपके पास कोई भी लॉजिक नहीं है तो तुम सरेंडर हो जाओ, गुरुदेव हम झूठे हैं, कन्फेस कर लो सबके बीच में, गुरुदेव हम गद्दार हैं आप बोलते हो तो। जिस देश में रहने के बाद वो उसके कानून हम ही तोड़ेंगे पढ़े लिखे, फिर कैसे बात उम्मीद रखेंगे। इस साधु संस्था में मेरा नाम आचार्य के नाम से यदि मैं ही तोड़ूंगा, मेरे शिष्यों को कैसे बोलूंगा कि तुम क्या करते हो। तुमने खबर नहीं रखो, बे नंबर ना पैसा नो वहीवट तमारो करे नहीं, मानस पास जो ईमानदार जो है तुम्हारे। साचू के खोटू एक बार ऑब्जर्वेशन कर लेना, सबको गाली देना आसान है, एक बार खुद को ऑब्जर्व कर लगेगा हम ही तो गुरुदेव बदमाश, और हम जैसे बदमाश के हिसाब से ही देश में बदमाशी फैल रही है। क्या रे तुमने ना के नहीं क्यों गुनेगार जो साहेब, सिग्नल व्यवस्था तुम तोड़ दो तुम अपराधी हो। कोई जुबे के न जुबे प्रश्न नहीं आओ, तुम्हें तोड़ियो ना, तुम्हें कैरेक्टर गुमायू, व्हाट अबाउट कैरेक्टर नॉट एनी हाउ। मुझे आगे जाना है मगर सिग्नल व्यवस्था को तोड़ के तो नहीं, ये भी तो कैरेक्टर है तुम्हारा। और बताऊं इस देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है, रामनाथ, आपकी ही बेटी जिनका नाम है स्वाति कोविंद। शायद तुम्हें पता नहीं होगा, अभी मुझे कौशिक ने बताया प्रवचन में आने के पहले, ये खुद की बेटी, पिताजी राष्ट्रपति होने के बावजूद हवाई जहाज में एयर में वो एयर होस्टेस है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदनी छोकरी आ स्वाति ये विमान में एयर होस्टेस की नौकरी करती थी। बड़ी मुश्किल से अकेला नाम लिखाया था, सरनेम नहीं लिखा दी, तब तक पता नहीं चलता था कि यही है, मगर उनके प्रोफाइल चेक किया तब पता चला इनके पीछे सरनेम कोविंद आई। तब इसको पूछा आप कौन हो, तो कि यही देश के प्रेसिडेंट की मैं बेटी हूं। आदेश आ गरिमा लेने बैठो, जनो बाप राष्ट्रपति हो इनी दीकरी ये एयर होस्टेस की नौकरी के, ये है कैरेक्टर नॉट एनी हाउ। मेरे बाप की गुडविल का मैं उपयोग करना नहीं चाहती हूं, वो अपनी जगह पे मेरा बाप क्या है नरेंद्र भाई मोदी को, मैंने खुद ने उनको पत्र लिखा था, नरेंद्र भाई हम चाहते आपकी माँ आपके साथ हो, बाकी तो ठीक है परिवार बाद अपनी जगह पे, मगर आपकी माँ आपकी खुद की माँ, और वो एक कोने में रहती है। आप नरेंद्र भाई इस पत्र का जवाब नहीं दिया, यह देश का बड़ा प्रधान खुद की माँ को अपने पास नहीं रखना चाहता है मिलने के लिए। दो साल के बाद अभी गए, कोरोना के माहौल में मिल नहीं पाए थे, दो साल के बाद अभी गए नरेंद्र भाई। नरेंद्र भाई प्रमाणिक रहू पड़े तुम्हारे नहीं, તમે ધર્મી કેટલા છો પછી પૂછીશ, તમે નાગરિક કેટલા છો, તમારે કે મારે આઈડેન્ટિટી જોઈએ છે, મે ભી પોસિબલ આપકો મંદિર મેં રસ નહીં હૈ, મે ભી પોસિબલ સંત મેં રસ નહીં હૈ, હજારો ધર્મ કી સંસ્થા હૈ, ધર્મ કી ક્રિયા, યુ આર નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ, યુ આર નોટ ટ્રસ્ટ, પણ દેશમાં તો તમે છો જ, તમે પ્રમાણિકપણે કહી શકો તેમ છો કે મારા સભા દેશની પૂરી વફાદારી અમારી આગળ છે પ્રમાણિકપણે।